फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेयर ग्लैम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जिससे आपकी स्किन बिल्कुल मुलायम और चमकदार दिखने लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं का आटा। गेहूं का आटा भी जो है वो चावल या बेसन के आटे की तरह स्किन को सॉफ्ट बनाता है, अगर एक्ने की प्रॉब्लम हो तो उसे भी दूर करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और स्किन पे अगर कोई दाग धब्बे हो तो उसे भी दूर करता है। उसके बाद यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी थोड़ी सी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं। हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए बहुत से होम रेमेडीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हाफ लेमन यहाँ पे मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। लेमन भी स्किन को जो है वो डीपली क्लीन करता है और एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। उसके बाद थोड़ा सा रॉ मिल्क। अब इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम कंसिस्टेंसी रखना है इसकी। ये देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है एक ही बार में। इसमें अभी और ज़्यादा दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस पेस्ट को थोड़ा थिक रखना अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये पेस्ट जो है अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हेयर है तो उन्हें रिमूव करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फेशियल हेयर को रिमूव करना है तो ज़रा इस पेस्ट को ठीक ही रखें तो अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट को हम 10 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो ये फेस पैक अप्लाई करके जो है मुझे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अपने चेहरे को वॉश करने वाली हूँ। अच्छे से जो है वो ड्राई होने के बाद ही अपने फेस को वॉश कीजिए। अगर 10 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लगे तो चल जाएगा। तो गाइज मैंने अभी यहाँ पे फेस को वॉश कर लिया है और आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है फेस पे और स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो गई है। तो आप भी इस नुस्खे को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से जो है वो ये बना हुआ नुस्खा है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हफ्ते में एक बार इस नुस्खे को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन भी जो है वो काफ़ी सुधर जाएगी, सॉफ्ट और सप्पल बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी जो है वो हिट करना ना भूले, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।